दोस्तों आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के रोहित शर्मा ने भले ही छोटी पारी के लिए हो लेकिन उन्होंने ये पारी खेलकर एक बड़ा ही नायाब रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो चलिए बताते हैं आपको उनके इस रिकॉर्ड के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भारत और इंग्लैंड में से कौन जबरदस्त टीम है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबला बड़ा ही रोमांचक रहा। पहले तो भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने अपने शानदार प्रदर्शन से सबका दिल जीता, वहीं उसके बाद गेंदबाजों ने भी सभी दर्शकों की वाह वाही बटोरने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब चौथे दिन के खेल में भारतीय टीम के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। अगर भारतीय टीम के बल्लेबाज चौथे दिन के खेल में भी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड के सामने विशाल का स्कोर खड़ा कर देते हैं तो इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों बता दें चौथे दिन के खेल में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी का फैसला कर लिया था, क्योंकि भारतीय टीम के लिए सिर्फ एक ही दिन बल्लेबाजी करने के लिए होगा और उन्हें इसी एक दिन में इंग्लैंड के सामने एक विशालकाय लक्ष्य रखना था, जिसकी वजह से दोनों सलामी बल्लेबाज आक्रामक रूप से बल्लेबाजी करते रहे थे। लेकिन ये आक्रामक रूप से ये दोनों बल्लेबाज कुछ खास सफलता नहीं दिला पाए। दोस्तों बता दें भारतीय टीम की ओर से बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने भले ही छोटी पारी खेली हो लेकिन उन्होंने छोटी पारी में ही अपनी ऐसी बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया जिसको देखकर तो मैदान पर मौजूद हर एक दर्शक उनका मुरीद हो गया। दोस्तों बता दें पहले तो रोहित शर्मा ने मार्क वुड, जिनसे उनका 36 का आंकड़ा रहता है, उन्होंने मार्क वुड की एक बाउंसर गेंद पर बड़ा ही जबरदस्त पुल शॉट खेल के छक्का प्राप्त कर लिया। वहीं इसके बाद जब मार्क वुड ने उन्हें एक और छोटी गेंद डालकर चुनौती दी तो इस बार रोहित शर्मा ने उन्हें पलटवार का जवाब नहीं दिया और वो 21 रन बनाकर पवेलियन की ओर रवाना हो गए। दोस्तों रोहित शर्मा की छोटी पारी के बावजूद उन्होंने एक बड़ा ही नायाब रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दोस्तों बता दें रोहित शर्मा का एवरेज भारतीय टीम के बाकी सभी बल्लेबाजों से काफी ज्यादा अधिक है। भारतीय टीम के बल्लेबाजों की सूची में रोहित शर्मा का नाम अब सबसे अव्वल नंबर पर है। उन्होंने भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ियों को भी पछाड़ रखा है। दोस्तों भले ही रोहित शर्मा की पारी छोटी सी रही हो लेकिन उन्होंने इस पारी के साथ सभी दर्शकों की दिल जीतने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा भविष्य में भारतीय टीम के कप्तान बन सकते हैं या नहीं, नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।